हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासरूम। टुडे वी ब्रिंग अ ब्यूटीफुल सेशन विच इज़ बेस्ड ऑन आर 11th क्लास चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। इन दिस लेक्चर वी कवर एंटायर चैप्टर विच विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज स्पेशली फॉर नीट्स। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नीट में आना तय ही तय है। पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, उससे पिछले साल भी आया था एक क्वेश्चन, तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है। बोर्ड में भी ये काफ़ी अपनी जगह बनाता है, बोर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। सो माई सेल्फ सौरभ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम जानेंगे लिविंग फॉर्म्स के बारे में, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और नॉमनक्लेचर, क्वाइट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर, क्वाइट इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जैसे कि हर्बेरियम है, बोटानिकल गार्डन है, म्यूजियम है, पार्क्स हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे करते हुए हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ लाइफ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। उसको बोलते हैं कोई चीज़ जिसमें जीवन है। दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स। आप जानते हैं लिविंग में हम लोग आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कह रहा है, लाइफ इज़ यूनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल दैट शोज डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस रिजल्टिंग इन एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस एंड एडाप्टेशन एक्सेट्रा। ऑल लिविंग थिंग्स शेयर सर्टेन करेक्टरिस्टिक विद सेपरेट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। प्रत्येक लिविंग थिंग्स जो होती है वो कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये लिविंग फॉर्म्स की करेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है या ट्रेट है। तो इस सिनेरियो में पहले आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन ऑफ ग्रोथ, ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। आपको इसको याद करना पड़ेगा कि जो भी जीव जंतु हैं आसपास हमारे, वो ग्रो शो करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। क्या है भाई, हमारे अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल से मल्टीपल सेल बन रही हैं, तो ये ग्रोथ के फेज को दर्शाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। हमारे अंदर बॉडी में सेल्स हैं, उनका डिवीजन होता रहता है, मल्टीप्लाई होती रहती हैं, उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके ऐसे करके एक बॉडी बनती है पूरी। तो ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है लिविंग फॉर्म के लिए। तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इज इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन्होंने कहा, अगर हम इन विट्रो कल्चर में कोई सी भी स्लाइड को लेकर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे। वो तो ये क्या है, वो ये है कि ये ग्रोथ जो सेल डिवीजन है उसको शो कर रहे हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो बनी हुई है छोटे छोटे सेल्स से, और सेल्स कैसे बनते हैं, सेल आपस में डिवाइड करते हैं और एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। यहाँ पर ये कह रहा है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर हमारी बॉडी मास इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम ग्रोथ कंसिडर करेंगे। अब इन्होंने क्या, अब यहाँ पर एक बात और दिमाग में रखने वाली है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, उनकी भी बॉडी मास इंक्रीज होता है। माउंटेंस, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट डू ग्रो। जैसे कि हम देखते नहीं छोटे छोटे, क्या बोलते हैं,
ईंट के टीले होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार से ग्रोथ ही तो है। लेकिन इस तरह की ग्रोथ को कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं, जो उस मटेरियल ऑफ सरफेस है, उसको हम ग्रोथ माने। इसलिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज आउटसाइड, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। तो ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स को हटाते हुए अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर होनी चाहिए, ग्रोथ इज इनसाइड। इसीलिए जो ग्रोथ है, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर हम नहीं बोल सकते, करैक्टरिस्टिक तो है भाई, लेकिन हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये हमारी एक करैक्टरिस्टिक हो गई ग्रोथ। यहाँ पे हमने जैसे अभी बात की थी कि नहीं कर सकते, अब दूसरी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता ही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके दो तरीके हैं, एक सेक्सुअल है, दूसरा सेक्सुअल है। तो सेक्सुअल विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इज ऑल्सो यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट्स के साथ और बिना मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन या सिनगैमी के, बिना सिनगैमी के जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं विद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इज मोस्टली बाईपेरेंटल, दो पेरेंट्स के गैमेट जब फ्यूज होते हैं, सिनगैमी होती है, तब ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा होते हैं वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे क्या बोलते हैं मेथड होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। जिस बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है, दो प्रकार के। बाइनरी फिजन मतलब एक सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए माइटोसिस के द्वारा, वो हो जाता है हमारा बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन तो आप जानते ही हैं, वही छोटे छोटे उसमें टूट जाते हैं, अलग हो जाए सेल्स, सिंगल बॉडी स्पंज है हमारा, अगर वो फट जाए बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन हो जाता है। बाई बडिंग ऑब्जर्व इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। बडिंग जो है ज़्यादातर ईस्ट और हाइड्रा में होती है, जैसे कि ये हमारा ईस्ट है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसमें आगे चल के ऐसी इसमें छोटी सी बड आ जाती है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, फिर और आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे बड्स निकलते रहते हैं, सेपरेट अपने न्यूक्लियाई हो जाते हैं, और फिर ये फाइनली अलग अलग टूट के निकल जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और ये बन जाते हैं डॉटर सेल्स। ये हो जाते हैं डॉटर सेल्स DC। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, कोई रेस्पॉन्स है? चलो ठीक है, अच्छा है। तीसरा आते हैं स्पोर्स। एग्जांपल फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स बाय दे प्रोड्यूस। छोटे छोटे जो फंजाई होते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं चिपके होते हैं, इनमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है अंदर, ऐसे छोटे छोटे स्पोर बनते रहते हैं, स्पोर, और फिर ये यहाँ से फट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं छोटे छोटे स्पोर। अलग होने के बाद ये अपने सेपरेट सेल्स हो जाते हैं, यहाँ से हो जाता है स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें, तो व्हेन अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं
हमारा प्लेन एरिया है, जैसे प्लेन एरिया जब बीच में से डिवाइड हो जाता है अलग, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है हाईली रीजनरेशन पावर, ऐसा क्वेश्चन भी आता है नीट में हर साल, तो प्लेन एरिया ऑप्शन आता है उसमें। दो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं वहाँ से फ्रेगमेंट्स के रूप में, और फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा ये अपना रीजनरेशन करते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनोमा ऑफ मैसेज एक्सेट्रा। तो अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि हमने भाई क्या सीखा, तो हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम रिप्रोडक्शन को भी कहीं कहीं हद तक कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम इसको नहीं बोल सकते कि ये डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफाइनिंग नहीं बोल सकते, करेक्टरिस्टिक तो है लेकिन डिफाइनिंग अभी भी नहीं बोल सकते। अब थर्ड नंबर पे आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो मेड अप ऑफ केमिकल्स की बनी होती हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइजेस फंक्शन एसेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंजेस इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। छोटे छोटे वो हैं आगे आगे चल के बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, देर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, फंजाई और बला बला बला। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो चल रही हैं साइट, वो सब क्या मेटाबॉलिज्म को शो करती हैं। द सम टोटल ऑफ, क्वाइट इम्पोर्टेंट, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म द सम टोटल, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, वही मेटाबॉलिज्म सिंपली है। आया समझ में? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं करते, शो नहीं करते। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ वन परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही है वो भी मेटाबॉलिज्म है, लेकिन अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर हम बाहर करते हैं तो हमें ज़रूरत लेनी पड़ती है सेल फ्री सिस्टम्स की। आइसोलेटेड करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में करते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो हैंस मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो ये हमारे पास पहला डिफाइनिंग फीचर आया है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो थे वो डिफाइनिंग फीचर तो नहीं थे लेकिन करेक्टरिस्टिक थे। ये मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर भी है और करेक्टरिस्टिक भी है। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। जो हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कराते हैं बाहर, जो बॉडी के आउटसाइड जो कराते हैं बाहर में, तो वो इन विट्रो कल्चर में कराते हैं, लेकिन वो रिएक्शन होती हैं, हाँ वो लिविंग रिएक्शन होती हैं। आइए अगली दूसरी स्लाइड देखते हैं। चौथा नंबर, कॉन्शियसनेस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हमारी बॉडी रेस्पॉन्स कैसे करती है? कॉन्शियसनेस इज अ ability of an organism to sense their surroundings। हमारे चारों तरफ की जो environment है, surrounding है, उसको sense करने की या महसूस करने की जो capability है उसको हम consciousness कहते हैं। environmental stimuli could be physical, chemical और biological। जैसे कि अभी मैं आपके पास आऊँ, गरम गरम अगर आपको चम्मच टच करता हूँ, अगर आपके उस पर हाथ पे, तो आप अपना हाथ तुरंत हटालेंगे, हाँ नहीं यार चम्मच गर्म है, तो वही है। इसी प्रॉपर्टी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। परहैप्स इट इज़ मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग
ऑर्गेनिजम्स का, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज. फोटोपीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फोटोपीरियड जो होता है प्लांट्स का, उसके हिसाब से डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, नाइट डे प्लांट्स आप पढ़ेंगे आगे चल के उसमें प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाले चैप्टर में, वहाँ फोटो पीरियड की बात होगी. तो ये फोटो पीरियड बहुत अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन के ऊपर जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, चाहे प्लांट हों चाहे एनिमल्स हों. ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज. ऑल ऑर्गेनिज्म जो हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके अंदर जो केमिकल सीक्रेट्स होते हैं वो हैंडल करते हैं, देखते हैं. प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा. ऑल ऑर्गेनिजम्स देयर फोर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. आप सभी अवेयर तो हैं ही हैं यार सराउंडिंग्स की, बस वही बात है. ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए. जो ह्यूमन बींग्स हैं अपने आप को अवेयर जो करते हैं वही सेल्फ कॉन्शियसनेस है भाई, पता रखो क्या है क्या नहीं. कॉन्शियसनेस देयर फोर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये फाइनली एक प्रॉपर्टी और है जो डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्शियसनेस. स्टार लगा लेना नोट्स में, इम्पोर्टेंट है. यहाँ तक हमने बात की थी लिविंग फॉर्म्स के बारे में, करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म्स के बारे में हमने जाना क्या कौन ऑर्गेनिजम्स की जो प्रॉपर्टी है या जो डिफाइनिंग फीचर हैं. दो मैंने डिफाइनिंग फीचर्स बताए आपको, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म. और यही दो ज़्यादातर नीट में भी आते हैं. नीट अगर नीट में आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म, तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब है अगर ऑप्शन में मेटाबॉलिज्म है तो क्लिक, कॉन्शियसनेस है तो टिक, और अगर दोनों है तो बोथ. बस ये ध्यान रखना लैंग्वेज को थोड़ा देना, कोई हार्ड थोड़े ही है कुछ, बस लैंग्वेज को देखना करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है या डिफाइनिंग फीचर पूछ रहा है. करेक्टरिस्टिक पूछेगा तो भाई चार ऑल ऑफ एबव लगाना पड़ेगा, और अगर डिफाइनिंग पूछना पड़ेगा तो ये दोनों, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस. बोलो याद हुआ, दिमाग में रख के लेके जाना, यहीं पर पूरा कवर करेंगे, बस बने रहना मेरे साथ. अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. हमारे लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी कितनी है, विविधता कितनी है हिंदी में बोले तो. द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. जैसे कि हमने बताया बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. द सिस्टम ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अलोंग विद ऑल कंपेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स. एक इन्होंने पैटर्न बनाया जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स. इसमें इन्होंने क्या किया कि जो भी ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है उसको कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ स्टडी करना, इस सिस्टम को उन्होंने सिस्टमैटिक्स बना दिया. द टर्म सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर ऑफन यूज्ड एज सिनोनिम्स बट टेक्निकली दे कैरी डिफरेंट मीनिंग्स. सिस्टमैटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये हमको एक जैसे वर्ड लगते हैं, एक दूसरे के क्या बोलते हैं सिनोनिम्स लगते हैं, लेकिन इन लोगों के मीनिंग अलग अलग है. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर. इजीली करेक्टर्स के हिसाब से जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनके हिसाब से अगर हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दें उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे. जैसे कि हमारे यहाँ है क्लास में बैठे हैं, अब कहना है कि क्लास के बच्चों को क्लासीफाई करो, तो आपने कहा कि हम एक पैटर्न अपनाते हैं क्लासिफिकेशन का, बॉयज़ का अलग करते हैं, गर्ल्स का अलग करते हैं, ये सिस्टम हो क्लासिफिकेशन हो गया. अब आप कहें क्या बोलते हैं हमें और क्लासीफाई करना है लड़कों को, तो उसमें क्या है लड़कों और लड़कियों को और क्लासीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे 15 से 16 साल के लड़के एक कैटेगरी में कर दो, 16-17 साल के में कैटेगरी कर दो. यही ये सब क्लासिफिकेशन है. ग्रुप बना दिए हमने छोटे छोटे, जो हमें करेक्टर ऑब्जर्व जो करेक्टर हमें दिखते हैं बाहर से उसके हिसाब से.
टैक्सोनॉमी की बात करें, एक टर्म तो क्लियर होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल है। टैक्सोनॉमी की बात करें, डील्स विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी है उसमें क्या होता है, ये जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं क्लासिफिकेशन के, उसको ये डील करता है, उसको ये वो करता है। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दे नीट। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। अरे मेरा पॉइंटर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, क्या करें। अब अगला टर्म, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, अभी कैटेगरीज या ग्रुप कर दिया जाए, कैटेगरीज को ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स के साथ उसको हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। और टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे कि रूल्स और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंपल है, डेफिनेशन दी जा सकती है। सिस्टमैटिक्स टर्म, सिस्टमैटिक्स वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व या यूज बाई कैरोलियस लाइनियस इन 1735। ये क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में अपनी जगह दें, ऐसा है, इन अंकल जी को नोट्स में जगह दें। कैरोलियस लाइनियस को इन्होंने टर्म दिया था सिस्टमैटिक्स, नीट में कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी पूछा जाने की संभावना है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, सिस्टमा जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमा, इस कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। इन्होंने एक लैटिन वर्ड था सिस्टमा, उससे ये हटाया था। आगे चलते हैं, सिस्टमैटिक्स चार प्रकार, मतलब चार स्टेप्स रखता है अपने आप में। पहला आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनी, फाइलोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी शब्द कैंडोलियन ने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लाइनियस ने दिया था, और सेंटापेव ने जो हैं वो हमारे फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है लाइनियस, इन्होंने तो टर्म ही दिया था, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लाइनियस हो गए, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी ये सेंटापेव हो गए, और टैक्सोनॉमिक टर्म दिया था कैंडोलियन। ये तीनों साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अलग एक जगह लिख सकते हैं, क्वाइट इम्पोर्टेंट। अब अगला चलते हैं, फर्स्ट हमने जो पढ़ा था सिस्टमैटिक्स के अंदर, पहला स्टेप आता है भाई आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या, आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। जॉन डे थे, जॉन डे ने एक टैक्सोनॉमिक कीज टर्म का डेवलपमेंट किया था, और जो कि एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए मददगार साबित हुआ। हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या, इट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड डिस्टिंग्विश्ड नेम ऑफ ईच स्पीशीज। स्पीशीज के हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट, अलग अलग जो नाम हम देते हैं नोमेनक्लेचर हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, मिथाइल ब्रोमीन, मिथाइल प्रोपेन एक्सेट्रा, ये सब है। नीड ऑफ साइंटिफिक नेम वॉज फेल्ट बिकॉज द सेम ऑर्गेनिज्म इज having different common names in different parts of world। सब लोग अपना अपना अलग अलग नाम रखते थे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो इसलिए उन्होंने एक नाम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। और नोमेनक्लेचर में उन्होंने एक बात रख दी कि सबको एक ही प्रकार से बोला जाएगा, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, कहीं का भी ऑर्गेनिज्म हो या एनिमल हो, उसको हम एक नाम देते हैं और वो ही पूरे वर्ल्ड में, मतलब उसी नाम से ही जाना जाएगा। तो साइंटिफिक नेम्स देखते हैं, तो जो साइंटिफिक नेम थे उनको लैटिन लैंग्वेज में हम दिए जाते थे साइंटिस्ट द्वारा, और साइंटिस्ट नेम आर यूनिवर्सल, नॉट लाइवलेबल टू चेंज विद टाइम और लैंग्वेज। जैसा एक बार नाम पड़ गया वैसा ही रहेगा, टाइम हो चाहे लैंग्वेज हो, जो भी है वो एक बार अगर साइंटिफिक नेम पड़ गया फिर वो चेंज नहीं होता। समटाइम्स डिफरेंट ऑथर्स गिव डिफरेंट नेम्स टू सेम स्पीसीज। कभी कभी क्या हुआ कि कुछ कुछ अलग अलग ऑथरों ने अपने अपने अलग अलग नाम रख दिए एक ही स्पीसीज के, तो फिर इसके लिए उन्होंने एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। जो उसमें क्या होता था, जो पहले का जो नाम था, जो ओल्डेस्ट नेम था, जो सबसे पहले दिया था, वही क्या बोलते हैं
लिया जाएगा, उसको ही वैलिड माना जाएगा। दे आर मोर प्रेसाइज एंड डेफिनेट कॉल देयर कॉमन नेम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। देर इज थ्री टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के तीन प्रकार होते हैं। पहला है पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर बिफोर 1750 बायोलॉजिस्ट यूजली यूज्ड दिस मेथड फॉर नोमेनक्लेचर। 1750 से पहले बायोलॉजिस्ट जो थे वो पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज करते थे। उसमें इसमें क्या होता था, बायोलॉजिस्ट में यूज लैटिन वर्ड्स 15 तक अप टू 15 लैटिन वर्ड्स को यूज करते थे और नाम रखते थे इस पर। जैसे कि यहाँ पे दिया है क्रायोफाइलम, ये कैरियोफाइलम सेक्सटाइलिस फॉलिस ग्रामिन। मैं तो भाई पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, आप लोग पढ़ें कमेंट सेक्शन में, बताएं आप अपने हिसाब से आप क्या समझते हैं कैसे प्रोनाउंस करेंगे। दीज नेम्स वर लेंथी एंड डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। ये जो नेम थे पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, इनको पहले की हटाओ यार, बेकार है, मतलब है नहीं, इतने लेंथी एंड डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर हैं, इसलिए फिर इस नोमेनक्लेचर को हटाएगा। फिर दूसरा आया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्वाइट इम्पोर्टेंट। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ही सक्सेसफुल हुआ। वोहेन थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, लेकिन इंट्रोडक्शन का क्रेडिट जो है वो है कैरोलस लाइनियस। इन्होंने तो भाई हर जगह इस चैप्टर में ज़्यादातर ये नाम याद करना ही करना पड़ेगा आपको, कैरोलस लाइनियस, क्योंकि ज़्यादातर इनका ही कंट्रीब्यूशन है। तो इन दिस मेथड बायोलॉजिस्ट यूज ओनली टू लैटिन वर्ड्स फॉर नेमिंग अ स्पीसीज। जैसे गौरैया, इसमें क्या होता था कि जो बायोलॉजिस्ट थे वो सिर्फ दो ही लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे एक स्पीसीज को के नोमेनक्लेचर के लिए। फॉर एग्जांपल गौरैया है, उसका पेसर डोमेस्टिकस है, प्याज है, एलियम सेपा, गुड़हल, हिबिस्कस, रोजा, साइनेसिस। ये हमारा ये वाला जो है पार्ट बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाला इम्पोर्टेंट है। यही एनसीईआरटी में भी यही ज़्यादातर आता है, बोर्ड्स में आने वाला ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब आता है अगला ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होते हैं कि जो स्पीसीज की जो सब स्पीसीज होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कॉर्बस स्प्लेंडस, स्प्लेंडर इन इंडिया, कॉर्बस स्प्लेंडस आयरसन इन कॉर्बस स्प्लेंडस इंडिया, बर्मा और श्रीलंका के साथ से इन्होंने स्पीसीज की सब स्पीसीज बना के क्लासीफाई कर दिया। इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आ सकता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार नोमेनक्लेचर हैं, तो तीन तो आपको पता ही होनी चाहिए, बाकी इतना नहीं इम्पोर्टेंट है ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगला देखते हैं। अब मैंने आपसे बात की थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था लाइनियस ने प्रपोज किया था, अपनी किताब जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। इम्पोर्टेंट है, पब्लिश वगैरह नहीं याद करना है, फिर भी लिख दिया है मैंने, मई 1753। ही प्रपोज बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स इन 10th एडिशन ऑफ हिज बुक सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर इन्होंने अपना एडिशन निकाला था 10th, उसमें इन्होंने पब्लिश किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। अब इन्होंने जो जो नियम बताए थे या रूल्स बताए थे उसको हम देखेंगे, जो भी रूल्स हैं इनके। तो लाइनियस गेव सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर कॉल्ड लाइनियन प्रिंसिपल। लाइनिया अपने प्रिंसिपल के नाम से अपना नाम, लाइनियन प्रिंसिपल। देर आर 5 इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप जानते ही होंगे आईसीबीएन, आईसीजेड, आईसीएनसीपी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये हैं, बोर्ड में आ जाते हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादातर यही आएंगे। एक ICBN वाला आएगा, ICZN वाला आएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों की फुल फॉर्म आ सकती है,
इसमें अब यूनिवर्सल रूल्स की बात करें, ये रूल्स समझ के ध्यान रखना, अगले 15 मिनट्स थोड़ा फोकस के साथ हम पढ़ते हैं। नो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में होते हैं बायोलॉजिकल नेम्स, और इनको हम लिखते हैं इटैलिक्स में है। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव देयर ऑरिजिन के हिसाब से, जो लैटिन वर्ड में ड्राइव किए गए होते हैं। इन्होंने पहला नियम क्या बताया भैया, नियम ये बनाया कि बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में है, लेकिन हम जब उनको लिखने की बात होगी तो हम उन्हें इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या रूल लगाया, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वर्ड है वो स्पीसीज यानी या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड राइटिंग, जब हम अपने हाथों से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन होनी चाहिए, और प्रिंटेड अगर होंगे तो वो इटैलिक्स में होंगे और उनका लैटिन ओरिजिन इंडिकेट होना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म, इट इज प्रिंटेड इन रोमन। जो ऑथर है जिसने ये दिया है उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में प्रिंट किया जाएगा, और वो भी प्रिंट किस में किया जाएगा, रोमन नेम में लिखा जाएगा। जैसे कि अब ये तो हमारे चार नियम थे, पहला हमने पढ़ लिया कि भाई लैटिन वर्ड में लिखे किस में जाएंगे, इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। दूसरा क्या हुआ, इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल नेम का पहला जो नाम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद इन्होंने तीसरा नेम दिया कि जो बायोलॉजिकल नेम है अगर हम उनको हाथों से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, प्रत्येक के नीचे अंडरलाइन होंगे, और अगर हम प्रिंट कराएंगे तो इटैलिक्स में होंगे, और उनका लैटिन ओरिजिन भी इंडिकेट होना चाहिए ही चाहिए। चौथा नियम बनाया ना कि इन्होंने कि जीनस है, फर्स्ट वर्ड जो है जीनस से स्टार्ट होगा और फर्स्ट जो लेटर है जो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल से, अगर हम सम अप करें तो जैसे कि मैंगो का मैंगी फेरा में एम कैपिटल, इंडिका और इंडिका सब इसमें छोटा है स्मॉल, और ये लेन ये साइंटिस्ट का नाम, तो मैंगी फेरा इंडिका लेन। अगर हम इसको हाथ से लिखते तो नीचे सेपरेट अंडरलाइन करते, ये प्रिंट है इसलिए मैंगी फेरा इंडिका लेन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लाइनियस, ये लेन का मतलब ये है कि यह दिखाता है कि इस स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया लाइनियस साहब ने, ठीक है। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम धोखे से गलत हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसका नाम ब्रैकेट में लिख के अलग करके उसको करेक्ट फॉर्म में मान लिया जाता है ब्रैकेट के बाद, जैसे कि ये सीरीज अल्वेजिया लेबक लिन बेंथ, जैसे कि लिन ने गलत नाम बताया तो इसको करेक्ट किसने किया, बेंथ ने, तो लिन को हमने कर दिया ब्रैकेट के साथ और बेंथ को हमने बाद में लिख दिया। इतना समझ में आया आपको, मज़ा आ रहा है, ठीक आगे बढ़ते हैं, मज़ा ही आना चाहिए। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये बहुत सारे हायरार्की स्टेप्स को कलेक्ट करता है रखता है, इनको हम रैंक और कैटेगरी के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन। प्लूरल वर्ड इसका टैक्सा बोलते हैं, अगर बहुत सारे हैं तो टैक्सा बोलेंगे और सिंगुलर है तो टैक्सन बोलेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म है, आपको याद करना पड़ेगा। लाइनियस यूज्ड फाइव कैटेगरीज, क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज एंड वैरायटी टू
to classify living organism. Later on, the last one was discarded and three were new added. So the seven obligate category. अब जो है हायरार्की है वो सात कैटेगरी की हो गई है. द डिसेंडिंग और असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ दीज कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस का कैटेगरी के सीक्वेंस का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं या लाइनियन हायरार्की. टैक्सोनॉमिस्ट have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Kingdom, division, class, series, order, family, tribe, genus, species. भाई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. नीट में एक आता है क्वेश्चन, ऑर्डर आ जाता है, या तो इंक्रीजिंग आ जाएगा या डिक्रीज आ जाएगा. तो आपको याद रखना है. अगर आप इधर से याद करते हैं तो स्पीशीज, जीनस, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर, सीरीज, क्लास, डिवीजन, किंगडम. एज वी गो हायर, अगर हम बड़ी लेवल पे जाते हैं स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक ग्रोज ऑन डिक्रीजिंग. अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं. अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं तो जो कॉमन करेक्टरिस्टिक हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं. वाइस वर्सा है और क्या. अब देखते हैं स्पीशीज. स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच फंडामेंटल सिमिलरिटी एंड एबल टू इंटरब्रीड इन नेचुरल कंडीशन एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट गिवन बाई अर्नेस्ट मेयर साहब ने डेफिनेशन दी थी इसकी. तो जो आपस में नेचुरल कंडीशन के हिसाब से इंटरब्रीड करके जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम स्पीशीज बोलते हैं, जो फंडामेंटल सिमिलर हों और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें. जॉन रे वॉज द फर्स्ट हु डिस्क्राइब एंड डिफाइन टर्म स्पीशीज एंड स्पेसिफिक एंड सॉरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट. जॉन रे ने सबसे पहले बताया था कि स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और सबसे पहले टर्म भी स्पीशीज इन्होंने ही यूज़ किया था. ये क्वेश्चन आता है जॉन रे साइंटिस्ट के नाम थोड़े इस चैप्टर में आपको याद करके चलने पड़ेंगे. जॉन रे है, कार्ल स्लेनियस है, अर्नेस्ट मेयर है, एक्सेट्रा. स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी. स्पीशीज जो है लोएस्ट कैटेगरी है, हमने आपको बताया था इसकी सबसे लास्ट में आता है. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पे एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से अलग अलग होती है. मैंगो फेरेंटिका मैंगो सोलनम ट्यूरोसम पोटेटो एक्सेट्रा पैंथेरा लियो और होमो सेपियंस. तो इसमें जो बाद के हैं ये तो भाई जीनस हैं सबके, ये पैंथेरा है, सोलनम है, मैंगी फेरा है, होमो है, ये सब हैं जीनस. और जो बाद के हैं एंटिका है, ट्यूग्रोसम है, लियो है, स्पीशीज, ये सब क्या दिखाते हैं, ये हैं स्पीशीज. जैसे कि यहाँ नोट्स में दिया हुआ भी है, इन एबव नेम्स टर्म एंटिका, ट्यूग्रोसम, लियो एंड सेपियंस रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. अगला है जीनस. जीनस क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. रिलेटेड स्पीशीज का जो ग्रुप कहलाता है वो कहलाता है जीनस. रिलेटेड स्पीशीज का जो ग्रुप कहलाता है वो कहलाता है जीनस. वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. पैंथेरा लियो, पैंथेरा पेरेडस, पैंथेरा टिग्रिस एक्सेट्रा, ये सब जीनस कहलाता है. पहला फर्स्ट जो नेम है पैंथेरा है, पैंथेरा, ये तीनों में ही पैंथेरा जो है वो है जीनस.
फैमिली की बात है, फैमिली क्या है, जिस प्रकार से ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है जीनस, उस प्रकार ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा है वो है फैमिली। फैमिली सोलेनेसी हैज़ मैनी जेनेरा लाइक सोलेनम, पिटूनिया, ददूरा एक्सेट्रा। फैमिली फेलिडी हैज़ मैनी जेनेरा लाइक पैंथेरा, फेलिस, कैट्स एक्सेट्रा। अब अगला आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इज असेंबलीज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी, कैट्स एंड कैनेडी डॉग्स। क्लास, अगला क्लास, क्लास में इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, जो जैसे कि ऑर्डर में क्या था, असेंबलीज ऑफ फैमिली या क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, उसी प्रकार से इसमें भी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर क्लास में। तो क्लास मैमेलिया है, मैमेलिया एक क्लास है जो एनिमल किंगडम में भी आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया इंसेक्टिवोरा है, लेगोमॉर्फा है, कार्निवोरा है, प्राइमेटा है, ये सब क्लास मैमेलिया के अंदर आते हैं। अगला हम पढ़ते हैं फाइलम, छठा नंबर फाइलम है डिवीजन। उन्होंने सात किए थे क्लासिफाई, सात कैटेगरी बनाई थी उन्होंने, तो अभी छठा है। इंक्लूड रिलेटेड क्लासेस, क्लासेस के रिलेट करते हैं फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स क्लासेस लाइक एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया, एनिमेलिया, एम्फीबिया एक्सेट्रा। किंगडम इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम जैसे स्पीसीज अगर लोएस्ट कैटेगरी है तो किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या यार। इट इज़ हाईएस्ट कैटेगरी, इंक्लूड रिलेटेड फाइला, वाइटेकर ग्रुप्ड ऑल द फाइला ऑफ लिविंग बींग्स इंटू फाइव किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब क्या है, ये किंगडम है जो आर एच वाइटेकर ने बनाए थे। हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें ये पांचों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हुआ हमारा। अब ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैचिंग में कुछ ना आ जाते हैं, इधर उधर गायब कर देते हैं, या ए बी सी डी लिख देंगे, बताइए आप क्या बोलते हैं, कौन सा बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, स्पीसीज ऑर्डर है, तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा इसको। जैसे कि मैन है, मैन को हम होमो सेपियंस बायोलॉजिकल नेम में बुलाते हैं। अब ये तो आपको पता ही है, होमोजीनस हो गया, सेपियंस स्पीसीज हो गई, तो जीनस इसका होमो हो गया और फैमिली इसकी ह्यूमैनिडी हो गई, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, क्लास मैमेलिया हो गई, और फाइलम जो है वो है कॉर्डेटा। ये हमारा एक मैन हमने याद कर लिया, यहीं से याद करके जाएंगे आप, किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप लिखते जाइए, याद करते जाइए, एक बार रिवाइज करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। फैमिली हाउसफ्लाई, वो सॉरी हाउसफ्लाई की बात करते हैं। मस्का डोमेस्टिका इसका बायोलॉजिकल नेम है, मस्का इसका हो गया जीनस, मस्केडी हो गया फैमिली, डिप्टेरा हो गया ऑर्डर, इंसेक्टा हो गया क्लास, आर्थ्रोपोडा हो गया फाइलम। अब आ जाते हैं मैंगो, मैंगो तो आप बहुत फेवरेट है सबका, मैंगो खाया भी बहुत होगा, तो इसका बायोलॉजिकल नेम आपको याद होना चाहिए, मैंगीफेरा इंडिका, जीनस में जीनस हो गया इसका मैंगीफेरा, फैमिली हो गए एनआरकेडियेसी, ऑर्डर स्पेंडल्स, क्लास डाइकोटिलेडनी, फाइलम एंजियोस्पर्मी, ये हो गया मैंगो। अब हम बात करते हैं कॉमन नेम्स वीट, हाँ कॉमन नेम वीट की बात करते हैं, तो वीट में बायोलॉजिकल नेम है इसका ट्राइटिकम एसटीवीएम, ट्राइटिकम इसका जीनस है, पोएसी फैमिली है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऑर्डर पोल्स हैं, मोनोकोटिलेडन एंड क्लास है एंजियोस्पर्म फाइलम है। आप कहेंगे सर आप यार क्या यार इतना याद करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ हो तो भी बता दो, जुगाड़ चाहिए सभी को, चलो जुगाड़ बताते हैं आपको याद करने की दो तीन, मतलब दो तीन आपको पॉइंट बता दूंगा जिससे आप पहचान सकेंगे कि हाँ ये किंगडम है या ये डिवीज़न है, क्लास है, ऑर्डर है। तो जब भी डिवीज़न की बात आए, डिवीज़न लास्ट वाला फाइलम वाला, तो डिवीज़न के लास्ट में ज़्यादातर फाइटा आपको अगर वर्ड मिले, फाइटा है, ब्रायोफाइटा है, इस टाइप के अगर वर्ड हो तो ये हो जाता है डिवीज़न। और क्लास में कहीं आपको लास्ट में ए ई वर्ड मिल जाए, फाई ए सी वर्ड मिल जाए, ऑप्सिडा मिल जाए, तो ये क्लास है। और ऑर्डर में अगर
ALES मिल जाए, जैसे कि ये पोल्स हैं स्पैंडल्स में LES, ये अगर ALES अगर ऑर्डर मिल जाए तो ये हो जाता है ऑर्डर। ALES अगर लास्ट में स्पेलिंग अगर है तो ये हो जाता है ऑर्डर। अब फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली में क्या है कि अगर ए सी लास्ट में आ जाए तो फैमिली है। ओ ए सी है, एल एल ई ए सी है, एन आर के डी ए सी है, बहुत सारी फैमिली हैं, ये हो जाती है हमारी फैमिली। और जीनस और स्पेसिस में तो मैंने बता ही दिया, आप होशियार हैं ये तो पहचान लेंगे यार, चुटकियों की बात है, तुरंत पता चल जाएगा आपको। यहीं तक रखें आज, अच्छा लगा, पसंद आया, अच्छा लगा आपको तो सेशन को लाइक करें। बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग।